बिल्कुल क्रिकेट के खेल जैसा है चुनाव, और चुनाव में भी अंतिम समय में जो आप करते हैं और अंतिम समय में आपका प्रदर्शन काफ़ी प्रभावी होता है और इस प्रभाव से चीज़ें बदल सकती हैं। चिराग फैक्टर बार बार कहा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को इसी को लेकर के घेरती रही है जनता दल यूनाइटेड कि चिराग फैक्टर से वो उनको कमज़ोर कर रहे हैं। एक बार फिर से चिराग फैक्टर देखने को मिल रहा है कुढ़नी में, जैसा कि आप सभी जानते हैं और हमने खबरों में भी लगातार आपको बताया है कि कुढ़नी में किस तरह से चिराग पासवान को अंतिम ओवर में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा और उन्होंने मैच को बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया। आज वोटिंग हो रही है और वोटिंग के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, बदलती हुई देखी जा सकती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिर्फ कुढ़नी में ही चुनाव नहीं हो रहा है, इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में भी चुनाव हो रहा है। गुजरात में भी चुनाव हो रहा है, यूपी के मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है, लेकिन चर्चा अगर सबसे अधिक किसी की है तो वो है कुढ़नी का चुनाव। कुढ़नी के चुनाव की चर्चा हम बार बार आपको बता रहे हैं कि क्यों हो रही है। इसके पीछे कारण है कि कुढ़नी में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और इसके साथ साथ नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा भी है कि क्या महागठबंधन में आकर के उन्होंने अच्छा किया है या उनके लिए बुरा हो गया है। अब इन सारी बातों का जवाब जो है वो 8 तारीख को मिलेगा, लेकिन जिस तरह से कुढ़नी की जनता सुबह से ही वोटिंग शुरू होने से पहले ही जिस तरह से लाइन में लग करके और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है, वो बता रहा है कि चिराग फैक्टर काम करने लगा है। चिराग फैक्टर कहीं ना कहीं वोटिंग शुरू होने से पहले ही नजर आने लगा था। जिस तरह से चिराग पासवान की सभा में आपने देखा होगा कि एक बड़ा हुजूम जुटा था, भीड़ देख करके ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी परिवर्तन की तरफ या मुख्य चुनाव की तरह ही इस उपचुनाव में भी जनता लगातार अपने आप को जोड़ने का कोशिश कर रही है लोकतंत्र से। इसका सीधा मतलब देखने को मिला कि वोटिंग के समय क्या जनता सामने आएगी। बार बार यह कहा जा रहा था कि उपचुनाव है, उपचुनाव में जनता का रिएक्शन क्या होगा, किस तरह से घर से निकलेगी, कितना प्रतिशत वोट होगा। तो जैसा कि हम पहले ही खबर में आपको बता चुके हैं कि जो अभी ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो साफ बता रहा है कि इस बार वोटिंग का प्रतिशत मुख्य चुनाव से भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से लोगों को जगाया गया है और बार बार आपको हम बता रहे हैं कि जिस तरह से एकमात्र कुढ़नी के उपचुनाव को लेकर के हर राजनीतिक दल ने अपना पूरा ताकत झोंक दिया है, वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं मामला बदलने वाला है। अब तक जो हमारे पास जानकारी है उसमें जदयू के उम्मीदवार जो हैं मनोज कुशवाहा, उन्होंने भी अपना वोट डाल दिया है। लगभग 320 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है और हर मतदान केंद्र से लगभग हमारी जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं वो तस्वीरें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं एक तरफ जहां तेजस्वी फैक्टर काम कर रहा है वहीं चिराग फैक्टर लंबी कतार में देखने को मिल रहा है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं जो कुढ़नी का परिणाम आएगा वो चौंकाने वाला निश्चित रूप से होगा। क्या चौंकाएगा, क्या कुछ होगा, हम 8 तारीख को आपसे बात करेंगे, लेकिन आज जैसे ही चुनाव खत्म होता है हम फिर आपसे जुड़ेंगे और समीकरण के आधार पर लोगों ने जो बात किया है उसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि कुढ़नी का परिणाम, कुढ़नी का पल्ला किसके तरफ झुक रहा है, चिराग फैक्टर नजर आने लगा है और चिराग फैक्टर क्या गुल खिलाता है ये देखने वाली बात होगी। लगातार जहां एक तरफ तेजस्वी यादव वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान को भविष्य बताया जा रहा है। हमने आपको सर्वे करके भी बताया, हमने आपको पब्लिक रिएक्शन करके भी बताया कि दोनों के बीच में कितना टसन चल रहा है। अब इस कुढ़नी चुनाव में भी नजर आएगा, एक तरफ जहां दो दिन तेजस्वी यादव जाते हैं वहीं सिर्फ एक दिन जाकर के चिराग पासवान वहां क्या अंतर पैदा करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा लोगों के दिमाग में है और इसी के साथ कैलकुलेशन भी शुरू हो चुका है कि आने वाला भविष्य बिहार का क्या होगा और नीतीश कुमार के भविष्य को पर क्या होगा। हम अगली खबर में जल्दी ही आपसे जुड़ रहे हैं। कुढ़नी के इस चुनाव को क्यों महत्व दिया जा रहा है हम आपको अगली खबर में बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।